दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आपको बता दें वार्ड नंबर तीन सुशील वैष्णव जिला परिषद चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। अभी चुनाव चिन्ह मिल गया है तो इनको चुनाव चिन्ह के रूप में जीप मिली है जो बहुत बढ़िया निशान है। अभी ये पब्लिक से अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताना चाहते हैं और कुछ मैसेज भी पब्लिक को देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा वार्ड है, कई गांव इस वार्ड में आए हैं और दमदार प्रत्याशी हैं, जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सुशील जी, जीप मिली है आपको चुनाव चिन्ह में जो है जी। क्या कहेंगे जनता से, क्या अपील करेंगे? मैं तो ये चाह रहा हूँ जी, जनता सारी जीप में बैठ के जाए और वोट दे और सपोर्ट करे। अच्छा भैया, मेरे तो ये निशान बहुत अच्छा शुभ निशान है। हाँ। मैं शनिदेव को भगतू। अच्छा, जीप मेरे लिए बहुत शुभ है, बहुत बढ़िया निशान है, बहुत बढ़िया निशान है मेरा। अच्छा। मन पसंद निशान मिला है भाई। गांव की कोई भी जनता है, जनता जनार्दन है, किसी का ही बहुत परेशानी है तो मैं तो अपनी जीप में बैठाएगा और अपने वाकई जो टारगेट है उस तक ले जाऊं। अच्छा, अभी जनता को क्या अपील करेंगे बटन दबाने के बारे में? जनता से यही अपील है जी, मेरे बारह गांव में समयपुर, करनेरा, सिकरौना, कबूलपुर, भनकपुर, लदियापुर, जक्कोपुर, बीजोपुर, फिरोजपुर और अपना सीकरी, हरपरा और मोहला, सभी भाई जीप में बैठ के जाए और भैया जीप के ही बटन दबाए। अच्छा। और विजयी बनाए और ये आपका उम्मीदवार आपकी सारी बातों पे खरा उतरेगा। लेकिन सर और भी उम्मीदवार मैदान में है, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी जीत होगी। और जो उम्मीदवार हैं उनकी मैं कह ना सकूं, उनके निशान भी ऐसे ही काई कुछ मिले हो, काई कुछ मिले हो, मेरो निशान भगवान की कृपा से वो जीत मिली है। बहुत बढ़िया। मैं अपने हर वार्ड के आदमी को जीप में बैठा के और उसको उसके टारगेट तक पहुंचा। लेकिन सर जीप कैसे चलेगी, रोड पे तो बहुत गड्ढे हैं। गड्ढे हैं, उन गड्ढे ने भरवाऊंगा जी मैं। अच्छा। हाँ, ये मेरा काम है, जहाँ जितने भी गड्ढे हैं रोड पे तैयारी मारे जीप की है सरकार ने। अच्छा, आपको पता चल सके हम गड्ढे कहाँ कहाँ हैं। अच्छा, कहाँ गड्ढे हैं मेरी जीप बता देगी, जहाँ जहाँ गड्ढे, जैसे जैसे परेशानी आएगी मैं सबरे गड्ढे ने। अभी कहाँ कहाँ गड्ढे देख लिया आपने? गड्ढे तो हमारे लगा रहे जी, सीकरी थे और यू सिकरौने तक सारे रोड टूटे पड़े। अच्छा। और भनकपुर से करनेरे तक सारे रोड टूटे पड़े, पैदल भी न चले जाए, इनका डेन भरवाऊंगा सबसे पहले। तो काम बहुत बड़ा है आपका। काम बहुत बड़ा हो जी, अभी इधर जाओ लदियापुर, जक्कोपुर, बीजोपुर, तो रोड ऐसे हुए पड़े हैं बिल्कुल, पानी भरा हुआ, मच्छर बहुत ज्यादा है, सबसे पहले पानी और रोड को ही काम करवाऊंगा। जनता की परेशानी समझ रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल समझ रहा हूँ। अच्छा। मैं तो गांव से जुड़ा हुआ गांव का व्यक्ति हूँ और मैं तो गांव के हर आदमी से वापिस हूँ और सारी जो सेवा होगी मांगे जाओ तो राज सेवा होगी और सारी करूंगा। तो राजनीति में कैसे आ गए आप, तो टेंट हाउस का काम करते हैं। बाबू जी ये मौका मिला है और सरकार ने बीसी की सीट दी है और बीसी की सीट आई है और हम या वजह से राजनीति मांगे। अच्छा अच्छा, समाज सेवा करना चाहते हैं आप? समाज सेवा करना चाहते हैं जी, बीसी में सीट आई है और इस जिला परिषद के माध्यम से जो भगवान ने शक्ति दी तो जो पावर मिलेगी उसका यूज करेंगे। क्या आप अपना चुनाव चिन्ह दिखाएंगे? चुनाव चिन्ह मिला है, दिखाओ। हाँ ये मेरा चुनाव चिन्ह मिला है जी, दिखाइए सर, दिखाइए। ये राजी आपको दिखाते हैं जो चुनाव चिन्ह सरकार ने दिया है। ये जीप का निशान है, सुशील कुमार वार्ड नंबर तीन, जीप का निशान थोड़ा दिखाइए। लघु सचिवालय से जीप लेकर आए हैं, ये देखिए ये निशान है जीप का, ये देखिए जीप का निशान है, तो बहुत बढ़िया निशान है, पब्लिक एक ही बार में पहचान लेगी। और बैलेट सीरियल नंबर पाँच है, पांचवे नंबर पर आपका निशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के लोग जीप पसंद भी करते हैं और पांच नंबर वैसे भी शुभ है जी, शुभ है। अच्छा, पांच नंबर देखो ये सबसे बड़ी बात, तो पांच नंबर कोई गाड़ी का नंबर भी ले, पांच नंबर लाखों रुपए में मिलता है। मेरे को दो चीज गिफ्ट में दिए, एक तो पांच नंबर और मेरी जीप का पांच नंबर है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा लगा। पब्लिक को मैसेज दिया जा रहा है कि जीप का आम लोग यहाँ मौजूद है इस समय और सभी कह रहे हैं जिताएंगे जो है। बाकी 22 नवंबर को मतदान है, 25 को नतीजे आएंगे। अब देखते हैं जनता इनकी अपील पर जीप का बटन दबाती है।